हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है बीएड सेकंड ईयर का पेपर टू, ठीक है, इसका सिलेबस। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। तो हम इसको एक आसान भाषा में बात करेंगे कि क्या है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है प्रस्पेक्टिव इन असेसमेंट, ठीक, एंड इवेल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें असेसमेंट और इवेल्यूएशन के विषय में हमें पढ़ना होता है। और बात करेंगे इसमें शुरुआती दौर में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पर्पस के बारे में पढ़ना है इसके, हमें स्कोप के बारे में पढ़ना है, एट्रीब्यूट नेचर के बारे में पढ़ना है, हमें मोड ऑफ रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ओरल, रिटन, सिलेक्शन, सप्लाई, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, इंटरनल या एक्सटर्नल, टूल्स पढ़ना है, टूल एंड टेक्निक्स ऑफ असेसिंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को का असेसमेंट करने के लिए जो भी टूल और टेक्निक्स का यूज करेंगे हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिक्स, इसमें स्टैटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब हमें अगर स्टैटिक्स आती है तो इस पेपर में आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। स्टैटिक्स पूरा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के बारे में जानकारी हमें रखना होगा। उसके बाद इसमें एक यूनिट और आती है कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, ठीक है, एक्शन रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है इसके विषय में हमें पढ़ना होता है। तो इतना ही है, बाकी ये बहुत ज़्यादा डिटेल है और ज़्यादा उसको बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो बस ये मोटा मोटा इतना आप समझ लें। उसके बाद हाँ, अगर इसके आप क्वेश्चन चाहते हैं इस पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आपको जो है कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।